मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूर्ण होने पर देवास जिला भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने शिवराज सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। समूह के माध्यम से उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है, किसान कल्याण के लिए किसानों की मदद की जा रही है और किसानों को कैसे आधुनिक खेती से जोड़ा जाए उसके प्रशिक्षण उनकी सारी व्यवस्थाएं करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास से गरीबों को घर का सपना साकार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण को पुरजोर कार्य में लाडली लक्ष्मी लाडली बहना जैसी योजनाएं चल रही है। सुशांत सिंह का एक उदाहरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश गेहूँ खरीदी में 46% पूरे देश की खपत का 46% गेहूँ मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीद कर पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बनाने का काम भी किया है। अभी हाल ही में जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई असमय, जिसके कारण किसानों को कहीं ना कहीं कल और 2-3 दिन में ऐसा लगने लगा था कि उनकी फसलों में नुकसान हुआ है। जहाँ भी 25% से अधिक 50% से अधिक की फसलों में नुकसान हुआ है वहाँ 32,000 रुपए प्रति एकड़ से मुआवजा देने का काम भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने करने का काम किया है।